नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। सरायकेला खरसवां जिले के हाईवे NH 33 कांदरबीड़ा ओवरब्रिज के समीप अलशिफा मंडल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्लैग गोदाम में बकायेदारों ने बवाल काटते हुए कंपनी के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। बकायेदारों का कहना था कि जब तक उनके रुपये नहीं मिल जाते तब तक गेट पर ताला लगा रहेगा। करीबन 10 करोड़ का बकाया विभिन्न ट्रांसपोर्टर और व्यवसाय वर्ग का बताया जा रहा है। कंपनी सरायकेला के उषा मार्टिन अब टाटा कंपनी की मर्जिंग से स्लैग लेकर बेचने का काम करती है, जिसे दर्जनों वाहन मालिकों का ट्रांसपोर्ट का रुपया बकाया है। कई ऐसे व्यावसायिक वर्ग है जिसे कंपनी ने धंधे के नाम पर रुपये लिए थे, जिसमें मुख्यतः राजीव रंजन के 1 करोड़ 40 लाख, अमित सिंह के 40 लाख, आदित्य के 1 करोड़ 12 लाख, रहमान के 50 लाख और शहनवाज के 40 लाख समेत दर्जनों ऐसे ट्रांसपोर्टर और व्यवसाय वर्ग है जिनका लाखों करोड़ों रुपया कंपनी का मालिक टिंकू खान ने नहीं दिए हैं। कुल 10 करोड़ से अधिक बकाया टिंकू खान पर बताया जा रहा है। परेशान होकर बकायेदारों ने न्यायालय की शरण ली। मामला कोर्ट में है, लेकिन उन्हें आज सूचना मिली कि कंपनी के मालिक चोरी छुपे इस लाख को बेच रहे हैं। उनकी सूचना पर सभी बकायेदारों ने एकजुट होकर कंपनी पहुंचे और गेट पर ताला लगा दिया। अलशिफा प्राइवेट लिमिटेड है, हम लोग इस कंपनी से 2 साल पहले काम करते थे। तो हम लोगों का क्या है कि यहाँ से माल उठता था, उसको पेमेंट देते थे, माल उठता था उसी बेसिस पे। तो जब काम रेगुलर चलते गया तो पेमेंट क्या हुआ, कभी एडवांस भी चल जाता था, कभी ज़्यादा भी दे दिए, उसको ज़रूरत पड़ता था उस हिसाब से हम लोग उसको पैसा लेने देने करते थे, उतने का माल उठाते थे। अचानक से कंपनी का क्या है, डाउनफॉल हो गया, कंपनी माल नहीं दे पा रही थी, तो उस बेसिस ने उससे हम लोगों से आके एडवांस मांगा। तो एज अ फ्रेंडली हम लोगों ने कहा कि चलो काम चल रहा है, कोई बात नहीं, आज पैसा देंगे तो कल माल उठ भी जाएगा। तो हम लोगों ने उसे एडवांस दे दिया। तो एडवांस देने के बाद इसने क्या किया, माल दूसरा किसी को बेचना चालू कर दिया। फिर हम लोगों ने माल का, हमेशा बोलते थे माल उठने दिए, माल उठने दिए, तो आजकल करते करते मामला टलते गया और अचानक से ये कंपनी बंद हो गई। जिस दिन ये कंपनी बंद हो गई, फिर 4 महीना बंद रहा, फिर अचानक से उसने मैंने जाके कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया तो फिर 4 महीना जब कंपनी खुली, मैंने अपना पैसा का तकादा किया, तो उसने कहा कि जिस दिन आपने कोर्ट गए हैं तो अब आप कोर्ट से समझिए, अगर कोर्ट डिसीजन देगी कि मुझे आपको पैसा देना है तो मैं आपको पैसा दूंगा, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। अब आप थ्रू कोर्ट आइए। तो अब इसमें सिचुएशन है, जबकि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, केस अभी पेंडिंग है, केस अभी सुनवाई चल रही है, वो एक बार भी अटेंड नहीं किया है, एक बार भी वो आया नहीं है। तो कोर्ट में तो डेट आ रही है, अब अगर वो ये माल उठा लेगा, माल उठा के वो यहाँ से चल जाता है, फिर उसकी क्या गारंटी रहेगी कि वो पैसा देगा। जब वो यहाँ रह के नहीं दे रहा है किसी को, मुझे नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों भाई लोगों के उसने पैसा लिया हुआ है। इनका ये राजीव जी है, इनका भी उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपये 3 साल से विदाउट अ सिंगल पाई, 1 रुपये भी आदान प्रदान किए इसने लिया था कि साथ में काम करेंगे, लेनी देनी जो भी है करेंगे, बट 3 साल हो गया आज तक उन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला। आज भी जब भी माल उठ रहा है तो उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है कि बस पैसा मिल जाएगा। माल भी चोरी छुपे रात में उठ रहा है, और मुझे क्या है कि आश्वासन भी नहीं मिल रहा। मुझे ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट में केस किया, आप केस के थ्रू आइए। आपने सिंगल केस किया, आपके चलते मेरे ऊपर 10 केस और हो गए। केस क्यों हुए आपके ऊपर, क्योंकि आपने किसी का पैसा नहीं दिया। कुल कितने पैसे हैं रुपये? हाँ, जैसे इनका 1 करोड़ 60 लाख है, मेरे 1 करोड़ 30 लाख है। क्या नाम हुआ? इसी तरह धवल नाम हुआ। ऐसे कुल कितने? जो लोन लेकर के अपने घर को गिरवी में रख करके वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट किए थे, जो कि अभी तक जो है उसका भुगतान कुछ भी नहीं हुआ। ये आश्वासन कल ही दिया गया है मुँह से और प्रशासन के थ्रू भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिंकू खान की वजह से, सिर्फ प्रशासन के थ्रू भी जो है ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का पैसा निकल जाएगा। तो कब पैसा निकलेगा, जब यहाँ से माल चोरी छुपके उड़ जाएगा उसके बाद? तो आज यहाँ क्या हो रहा है, प्लांट क्या खाली हो रहा है? नहीं, प्लांट तो आज बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, आज अपने यहाँ पर जमे हुए हैं, तो आप लोगों को शक क्या हुआ? शक ये था, कल भी बेच रहा था ये लोग माल, परसों रोज भी निकला है गाड़ी, हम लोगों ने कोशिश भी किया। ये ऐसा टाइम में काम करता है कि जो कि किसी को खबर ना मिले। आज आप सबका जमावड़ा यहाँ है, तो क्या निर्णय ले रहे हैं? निर्णय यही है कि वो टिंकू खान आए यहाँ तभी माल यहाँ से उठेगा, वरना वहाँ से माल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शादाब नाम हुआ।